और आपको इस गाड़ी में सेगमेंट फर्स्ट जो फीचर दिया हुआ है, जानते हैं ये वायरलेस दिया हुआ है, सेगमेंट फर्स्ट फीचर है, आपको कॉम्पैक्ट सेडान में वायरलेस फीचर नहीं मिलता। तो इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर मिलता है और ऑटोमेटिक एसी है और ये 10 इंच का टच इन्फो सिस्टम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं संतोष रवि आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गाड़ी 2023 का मतलब ऑरा फेसलिफ्ट मॉडल है, ठीक ना। तो इसमें सिर्फ फेसलिफ्ट हुआ है और इसके अलावा इसमें कुछ भी चीज़ नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। देखिए ये लॉक का हो गया, ये अनलॉक का हो गया। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं इससे आपका बूट ओपनिंग हो जाता है, ठीक ना। तो गाड़ी लॉक करते हैं और आपको मैं मिलवाता हूँ। ये जो शोरूम है ये रांची का शोरूम है और यहाँ के एक भैया हैं, भैया का नाम हुआ विश्व प्रकाश भैया। तो आप इनका फेस देख लीजिए, भैया आप अपना नाम बतला दीजिएगा। मेरा नाम विश्व प्रकाश हुआ, जेपी हुंडई से। भैया जेपी हुंडई से हैं, यहाँ पे जेपी हुंडई का है। और भैया मतलब बहुत ही अच्छे आप लोग डील दिलवा देंगे अगर आप रांची से गाड़ी लेना चाहते हैं या झारखंड में। झारखंड के सबसे बेस्ट डीलर समझिए यहीं पे है, मिलेंगे आपको बेस्ट डील भी आपको यहीं पे मिलेगा। अब हम मैं भैया का नंबर और नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग भैया बेस्ट से बेस्ट डील दिलवा सकें। ये फेसलिफ्ट मॉडल है, ठीक ना। तब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट में आपको ये हेलोजन लैंप है, ठीक ना, मतलब और ये व्हाइट लाइट है और इसमें DRL, अब इसमें फॉग लाइट हटा करके यहाँ पे DRL लगा दिया गया। तो मैं इसका DRL ऑन करता हूँ, आपको DRL ऑन करके दिखलाता हूँ कि इसका DRL कैसा है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका DRL, ठीक ना, ये मतलब यहाँ पे आपका ये DRL है। और पहले यहाँ पे इससे पुराने वाले मॉडल में मतलब इससे फेसलिफ्ट वाले मॉडल में यहाँ पे मतलब फॉग लाइट आता था, वो फॉग लाइट को रिप्लेस करके यहाँ पे DRL कर दिया गया। और यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं बहुत ही चौड़ा बहुत ही मैसिव सा स्पेस दिया हुआ है ताकि यहाँ पे मतलब एयर वेंटिलेशन अच्छे तरीके से हो सके। और आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं मतलब हेडलाइट है इसका, थ्रो बहुत ही बेहतरीन थ्रो है इसका, बहुत ही बेहतरीन थ्रो। और ये प्रोजेक्टर हेडलाइट है। और अब मैं इसका आपको साइड व्यू दिखला देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका डायमंड कट एलॉय व्हील है और इसका साइज है 175/60 R15 का इसका साइज है। और फ्रंट में डिस्क है और रियर में ड्रम है। और यहाँ पे आपका साइड में दिया हुआ टर्न इंडिकेटर ORVM पे दिया हुआ और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल भी है। और यहाँ पे आपको को पैसेंजर साइज में आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया हुआ, आप इसको मैनुअली ओपन कर सकते हैं। और देखिए और इसका पीछे में ड्रम है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में। और इसका देखिए बैक साइड में जो इसका है जो बैक लाइट है ये भी LED में दिया हुआ है, देख सकते हैं LED कितनी खूबसूरत। देखिए मैं आपको पीछे से दिखलाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में इसका LED लाइट। और बैक में आपका दो सेंसर दिया हुआ है यहाँ पे, एक ये सेंसर हो गया और ये सेंसर हो गया। और इसका बैक कैमरा यहाँ पे रिप्लेस है, बैक कैमरा इसका यहाँ पे रिप्लेस है। और ये आपका रिफ्लेक्टर हो गया। और मैं इसका बूट खोल करके दिखलाता हूँ, ये इसका बूट बहुत ही मैसिव बूट स्पेस है, ठीक ना। मैं इसका 419 लीटर का बूट स्पेस है। और ये बैक में स्पॉइलर लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना है और रियर डिफॉगर है। तो खैर इस सेडान में तो वाइपर नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ डिफॉगर ही है यहाँ पे उपलब्ध है। आप इसका देख सकते हैं ये है फ्यूल टैंक और ये 35 लीटर का इसमें फ्यूल दिया, मतलब टैंक जो इसका 35 लीटर लेता है, ठीक ना। और ये इसमें इससे पहले इसमें आता था डीजल इंजन का ऑप्शन, मगर वो BS6 Phase 2 का के कारण डीजल इंजन बंद कर दिया गया। अब मैं आप इसका बूट स्पेस दिखलाता हूँ कितना बूट स्पेस है। तो देखिए इसका टोटल 419 लीटर का बूट स्पेस है, मतलब सेगमेंट में तीसरे नंबर पे है इसका बूट स्पेस। और मैं इसका स्पेयर व्हील दिखलाता हूँ कि इसका स्पेयर व्हील का साइज कितना। ये एक साइज छोटा स्पेयर व्हील है, ठीक ना। तो ये 14 इंच का स्पेयर व्हील है और इसका साइज है 165/70 R14 का है। तो आप इसको मतलब 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रफ यूज करिएगा तो फिर आपको डैमेज कर सकता है, सेफ्टी के पर्पज़ से मतलब ये नुकसानदेह है, आप इसको मतलब ज़्यादा स्पीड में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको अब ड्राइवर साइड पे दिखाता हूँ कि ड्राइवर साइड क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ, अगर गाड़ी को लॉक करना है या अनलॉक करना है या अगर आपकी चाबी जेब में पड़ी हुई तो आप इसको मतलब ये कीलेस एंट्री के थ्रू आप इसको अंदर या बाहर जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डोर से मतलब इंट्रो अथी करवाता हूँ इंट्रो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये है पावर विंडो, चारों का चारों पावर विंडो। आप इसके थ्रू मतलब विंडो को लॉक कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो आपका जो है मिरर, आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए
आपको इस बटन को जब आप प्रेस कीजिएगा तो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट या फोल्ड हो जाएगा। और देखिए आप इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं मिरर को, अप एंड डाउन यहाँ पे दिया हुआ ये सिस्टम है, ऐसे फोल्ड अनफोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ। तो मैं आपको इससे आगे दिखलाता हूँ, इसमें पुश बटन स्टार दिया हुआ है क्योंकि ये टॉप मॉडल है, एसएक्स है। एसएक्स में आपको मतलब वैल्यू फॉर मनी जो भी समझ लीजिए, ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, ठीक ना। तो मैं अब इग्निशन को स्टार्ट करता हूँ, देखिए ये इसका बहुत ही खूबसूरत सा चंकी सा स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका मतलब टच इन्फो का सिस्टम दिया हुआ है, टच इन्फो से रिलेटेड ये पे यहाँ पे बटन है, जैसे वॉल्यूम अप एंड डाउन, कॉल कट करना है ये या कुछ भी करना है। और इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है, देख सकते हैं मतलब जो भी इसके ओपोनेंट है, जैसे डिजायर है, अमेज है, डिजायर में भी क्रूज कंट्रोल है, अमेज में भी क्रूज कंट्रोल, मगर जो इसका मेन सबसे ओपोनेंट वर्दी है टिगोर, उसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं दिया हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्पीडोमीटर है ये 220 तक दिया हुआ, ठीक ना। और यहाँ पर आपको आप इस बटन के थ्रू आप MID मतलब, और यहाँ पे टैकोमीटर दिया हुआ है 8000 RPM दिया हुआ है। यहाँ पे आपका इंजन का इतने यहाँ पे जितने हैं इंजन का लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे एयरबैग का दिया हुआ है, पैसेंजर एयरबैग या को ड्राइवर के भी दिया हुआ है। और यहाँ पे फ्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फिलहाल गाड़ी 11.3 का माइलेज शो करी, मगर एक्चुअली गाड़ी 18 प्लस आपको माइलेज देगी। ये जो गाड़ी है आपको 18 प्लस देगी ऑन हाईवे, और अगर आप सिटी कंडीशन में चलाते हैं तो आपको 15-16 अप्रोक्स दे देगी आप। और आपको इस गाड़ी में सेगमेंट फर्स्ट जो फीचर दिया हुआ है, जानते हैं ये वायरलेस दिया हुआ है, सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। आपको कॉम्पैक्ट सेडान में वायरलेस फीचर नहीं मिलता, तो इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, और ऑटोमेटिक AC है, और ये 10 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और आपको मैं आपको दिखलाता हूँ इसमें बैक रिवर्स कैमरा, इसका बैक कैमरा का क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये देख सकते हैं। अब मैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को सुनाता हूँ कि गाड़ी में कितना वाइब्रेशन है। देखिए गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, इंजन आप लोगों को पता चली होगी, तो बहुत ही साइलेंट केबिन है। अगर प्रीमियम क्वालिटी का अगर कॉम्पैक्ट सेडान में बात किया जाए तो हुंडई मतलब इसका जो क्वालिटी है फिट एंड फिनिश का बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अगर इसी की जगह पे और अदर कंपनी रहेगी, टाटा वगैरह या फिर मारुति सुजुकी, तो उन लोगों का जो प्लास्टिक वगैरह रहता वो चीप क्वालिटी का रहता, मगर हुंडई अपने फिट एंड फिनिश के लिए जाना जाता है। मैं आपको दिखलाता हूँ इसका बैक कैमरा फिर से लगा करके, देखिए ये गाइडलाइंस मूव नहीं करती, बस ये दिया हुआ है। और इसमें दो बैक सेंसर भी लगे हुए हैं, और इसका जो ये है मिरर मैनुअली, ऑटो RBM नहीं है इसमें, मैनुअली आपको करना होगा, ऑटो वाला नहीं है। और यहाँ पे फ्रंट में आपका यहाँ एयरबैग हो गया, यहाँ एयरबैग हो गया, और यहाँ भी एयरबैग हो गया। इसमें टोटल 4 एयरबैग है, सेफ्टी के पर्पज से इसमें 4 एयरबैग है, और ABS EBD सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, ठीक ना। इसमें अब यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और रियर पैसेंजर की सुविधा के लिए यहाँ पे आपका AC वेंट भी दिया हुआ है। तो अब इसका ग्लव बॉक्स ओपनिंग करके देखते हैं, ग्लव बॉक्स ठीक ठाक है, और लेकिन ये भी कूल्ड दिया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं कूल्ड ब्लॉक्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स है इसका। और यहाँ पे फ्रंट में आपका स्पीकर है, चारों डोर पे स्पीकर है, और इसमें ट्विटर नहीं है, ठीक ना, सिर्फ इसमें 4 स्पीकर है। और यहाँ पे देखिए इसका हेलोजन लाइट है, ठीक ना, जो कैबिन लैंप है वो हेलोजन है। यहाँ पे मैक है आपका, वैनिटी मिरर ये सिंपल सा है। फ्रंट में आपका यहाँ को पैसेंजर के लिए आपका मिरर दिया हुआ है, यहाँ पे एयरबैग का साइन है। और अब जो मैं फ्रंट का जो सीट है ना, उसको मैं अपने हाइट के मुताबिक एडजस्ट करता हूँ। इसमें स्टेरिंग टिल्ट टेलीस्कोपिक, जो फ्रंट का जो सीट है मैं उसको अपने हाइट के मुताबिक एडजस्ट करता हूँ, और उसके बाद दिखलाता हूँ कि बैक में कितना स्पेस है। तो देखिए यहाँ पे इतना स्पेस है मेरे लिए, अब देखते हैं बैक में टोटल कितना स्पेस बचा हुआ बैक पैसेंजर के लिए, क्योंकि मेरा हाइट 6.1 है, ठीक ना। तो 6.1 का अगर कोई पैसेंजर गाड़ी मतलब ड्राइवर गाड़ी चलाता तो पीछे बैठे पैसेंजर के लिए कितना स्पेस बचता है, तो अब मैं चलिए आपको बैक सीट पर दिखलाता हूँ कितना स्पेस है। अगर दोस्तों मैं बैक सीट पर बात करूँ तो बैक सीट पर इतना स्पेस है, मतलब नी रूम इतना है, और हाइट के लिए ज़्यादा नहीं, मात्र 2 अंगुल या 3 अंगुल स्पेस बचा हुआ है।
और आपको ये हो गया पावर विंडो के कंट्रोल्स हो गए कि हम वहाँ से आप फ्रंट से पावर विंडो को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। और ये इसमें ऑटो स्पीड लॉक भी है, अगर गाड़ी आपको आपकी जैसे 20 या 30 प्लस स्पीड करेगी तो गाड़ी आपकी लॉक हो जाएगी। और दोस्तों ये फ्रंट का जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है और ये एल्टो गाड़ी की याद दिला देती है, जो मारुति का मतलब जो भी जो फर्स्ट सेगमेंट गाड़ी है अल्टो सेलेरियो वगैरह में, अल्टो सेलेरियो वगैरह में देखिएगा कि आपका जो फ्रंट का मतलब हेडरेस्ट रहता है वो एडजस्टेबल रहता है। हालांकि एक चीज़ ये है कि इसका जो मतलब बैक का है हेडरेस्ट वो एडजस्टेबल, आप देख सकते हैं इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आपका हैंडरेस्ट और इसमें कप ग्लास होल्डर भी है, ठीक ना। आप इसको कहीं आप लॉन्ग टूर पर जा रहे थे आप इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैक के पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया हुआ है, ठीक ना, आउटलेट दिया हुआ है। और अगर आपको रियर के सीवेंट कम या बेसी करना है तो आप इसको इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं बस। और आप देखिए यहाँ पे 1 लीटर का ग्लास होल्डर भी, मतलब 1 लीटर का बोतल होल्डर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप बोतल रख सकते हैं। और अगर आपको ग्लास वगैरह रखना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे ग्लास वगैरह कप वगैरह रख सकते हैं। और इस आपको बैक के सीट में आइसोफिक्स भी दिया हुआ है, ये भी एक सेफ्टी पर्पज से ठीक है। और इसमें टोटल 4 एयर बैग हैं, 2 फ्रंट में हैं और 1 यहाँ है और 1 यहाँ है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें।